उभरे के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चलिए एक बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें केदारनाथ धाम में एक चॉपर क्रैश हो गया, इसमें 4 से 5 लोग सवार थे, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये क्रैश आपको बता दें गरुड़ चट्टी के पास ये चॉपर क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आर्यन हेली कंपनी का ये चॉपर बताया जा रहा है। हालांकि साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो बचाव दल है वो उस जगह पर जिस जगह ये दुर्घटना हुई उसके लिए निकल चुका है। तो केदारनाथ के पास, केदारनाथ धाम के लिए ये चॉपर उड़ा था, केदारनाथ के पास ही आपको बता दें गरुड़ चट्टी के पास ये चॉपर का क्रैश हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें घटना की वजह क्या थी ये सब जांच का विषय है। और आर्यन हेली कंपनी का ये बताया जा रहा है चॉपर गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ है। 4 से 5 केदारनाथ धाम जाने वाले लोग थे जो इसमें सवार थे, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये कुछ तस्वीरें आपको बता दें जो घटना स्थल से आई हैं, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चॉपर था जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे, केदारनाथ के करीब आपको बता दें गरुड़ चट्टी के पास ये दुर्घटना हुई है। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट लेकर। अभिषेक, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि दुर्घटना का कारण क्या था, लेकिन अपडेट क्या है जल्दी से हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, अपडेट जो सामने आ रहा है, अभी मौसम खराब होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है जिसमें एक पायलट और 5 सवारियों का जिक्र आ रहा है। और अभी तक इसकी, जैसा कि अभी हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं, उसमें 6 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक ऐसी सरकारी रूप से अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो मौके से विजुअल्स हमें मिले हैं उसके अनुसार 6 लोगों की मौत होने की जो दिखाई पड़ रहा है वो 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर था जो श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ जी जा रहा था। मौसम अचानक से खराब होता है, जिसकी जो देखा भी जा रहा था कि घाटी में आज मौसम काफी धुंध भरा था और काफी बादल हो गए थे, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिसमें 6 लोगों की जान चली। जी अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी अभिषेक, जिस तरीके से मौसम खराब बताया जा रहा है और जिन जो लोग इसमें सवार थे, जैसा आपने कहा इनमें सबकी मौत हो चुकी है, अगर राहत और बचाव कार्य की बात करें क्या कुछ उसकी जानकारी निकल पाई है, जो टीम है वहां पर पहुंच पाई है अभिषेक? जी बिल्कुल, SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और SDRF की टीम मौके पर पहुंच के वहां पे रेस्क्यू वगैरह शुरू कर दिया है, बॉडीज को निकालने का काम शुरू हो गया है। दूसरा, जो सबसे पहली वजह जो बता दूं मैं, जैसे लोगों ने पहले भी शिकायत की थी और काफी इसमें शिकायत की वजह से बीच में हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर जो शिकायत चल रही थी कि जो हेलीकॉप्टर की उड़ान है वो 600 से 800 मीटर के नीचे उड़ाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, ऐसी कई बार शिकायतें की गई लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे पहाड़ों में बढ़ रही है और जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो देखिए मौसम जिस हालात थे जो आज, और जैसे धुंध था, मौसम एकदम खराब स्थिति थी, उसके बावजूद उन्होंने एयरलाइंस कंपनीज ने इस पे एक्शन नहीं लिया और बल्कि उसमें उड़ान चालू रखी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और जो लोग, जो हमारी बात हो रही है वहाँ लोगों से बात हो रही है, तो उनका भी यही कहना है कि आज मौसम बहुत खराब था, बावजूद इसके इन्होंने इस तरह की फ्लाइट्स को रोका नहीं गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये निश्चित ही एक गंभीर हादसे के साथ साथ कई सवाल खड़े करता है कि आखिर मौसम खराब होने के बाद इन्हें अनुमति कैसे मिली, और एयरलाइंस कंपनियों के लिए ये सबक भी होगा और आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री, राज्य सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी या नहीं, ये देखने वाली बात। जल्दी से आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी कि ये जो चॉपर की सुविधा है, क्या ये रेगुलर सुविधा थी जिसका इस्तेमाल या जिसका उपयोग जो वहां श्रद्धालु जाते हैं वो करते हैं, और ये कहां से कहां तक के लिए उड़ान भरता है आमतौर पर? ये देखिए, दो जगह से उड़ान भरी जाती है, एक फाटा बोलते हैं जगह को, और दूसरी जो जगह है वो गुप्त काशी से उड़ा जाता है। एक तकरीबन 6 मिनट की फ्लाइट होती है और जो दूसरी फ्लाइट है वो 8.5 और 9 मिनट के आसपास की होती है। लेकिन जहाँ जो ये जो घटना हुई है, ये जंगल चट्टी का इलाका बोला जाता है, जहाँ पर मौसम और हवा के दबाव की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बाकी तो जांच की बात ही कह पाएंगे कि इसमें जब उच्च स्तरीय जांच होगी, इसके बाद सारी चीजें निकल के आएंगी कि आखिर ये मौसम खराब की वजह से हुआ है या हवा के कम दबाव की वजह से। लेकिन जो फौरिक तौर पे देखने और लोगों से बात करने पर पता चलता है, वो यही पता चलता है कि मौसम अत्यधिक खराब था, जिसमें विजिबिलिटी ना के बराबर थी, बावजूद इसके एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया और ये घटना को अंजाम।
जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ धाम के पास आपको बता दें, श्रद्धालुओं से भरा जो चौपर था, लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आपको बता दें गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि मौसम जो है वो ठीक नहीं था, बावजूद इसके लापरवाही भी एक बड़ी वजह बनती है यहाँ पर, क्योंकि मौसम ठीक ना होने के बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी गई। और हमारे सहयोगी आपको बता दें प्रदीप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा अपडेट के साथ। प्रदीप, निश्चित तौर पर अगर प्राथमिक जानकारी देखें तो अगर मौसम ठीक था तो मौसम ठीक नहीं था, माफ कीजिएगा, इसके बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, उसमें लोगों की जिंदगी को अगर देखें तो हाशिए पर रखा गया और ये दुर्घटना घटी। देखिए, कई बार कमर्शलाइजेशन की वजह से ऐसा हो जाता है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, सब सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरह से जो है नजरअंदाज किया जाता है। कुछ ऐसा ही लगता है इस वाले केस में भी। आप देखिए, 4 जो थे उसमें पिलग्रिम थे, 2 पायलट थे, मौसम खराब होने के बावजूद वहां से केदारनाथ से हेलीकॉप्टर उड़ता और कहते हैं कि पुराने रूट की तरफ से वो आ रहा था और जब ये क्रैश हो जाता है। अब तो ये इंक्वायरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या वजूहत रही है, लेकिन जो फिलहाल ये वजह लगती है कि मौसम खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि अगर मौसम खराब था तो उड़ने को क्यों दिया, हेलीकॉप्टर को क्यों, किसी की जान को खतरे में डाला? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जहां भी कहीं, खासकर ये पिलग्रिम स्थान पे जहां भी कहीं हेलीकॉप्टर सर्विस होती है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि जितनी से जितनी ज्यादा सॉर्टीज हो जाए और जितने से जितने ज्यादा पिलग्रिम्स को एक ले जा सके एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन कई बार मेरे ख्याल से ये कई सेफ्टी नॉर्म्स को नजरअंदाज कर देते हैं, ये रियलाइज नहीं करते कि इससे जान भी जा सकती है और नुकसान भी हो सकता है, या तो कभी कभी टेक्निकल खराबी भी हो सकती है उसकी वजह से भी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ये है, लेकिन फिलहाल ये कह सकता हूँ कि 6 कीमती जाने, जिससे 2 पायलट और 4 जो पिलग्रिम थे, जो यात्री थे सवार, उनकी जान जा चुकी है और हेलीकॉप्टर का ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड से ये आ रहा था और पुराने रूट के रास्ते से के टाइम पे ये क्रैश होता है जहाज, और इस समय इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वहां पे जो है स्थानीय निवासी सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी पहुंच चुकी है और ये वहां से बॉडीज को निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, आपको बता दें केदारनाथ धाम के करीब यह हादसा हुआ है, 6 लोग इसमें सवार थे, ऐसा DGCA की तरफ से जो जानकारी आ रही है। आपको बता दें ताजा अपडेट इसमें आ रहा है कि 6 जो श्रद्धालु थे उनकी मौत हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें DGCA की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें एक पायलट भी मौजूद, एक पायलट के साथ 6 लोग थे और जिनकी मौत हुई है, तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। और साथ ही साथ आपको बता दें हमारे साथ विपुल सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, एविएशन एक्सपर्ट हैं। विपुल सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो प्राथमिक जानकारी की अगर बात करें तो मौसम ठीक नहीं था, यानी लोगों की जान को एक तरीके से खतरे पर रखा गया जानबूझकर, जब मौसम ठीक नहीं था तो हेलीकॉप्टर को उड़ाने की वजह क्या सामने आ सकती है? देखिए, ये जो टेरेन है केदारनाथ के आसपास का जो एरिया है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग और वेरी स्टीप टेरेन है, और इस एरिया में मौसम का प्रेडिक्शन करना, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पायलट के लिए हमेशा रहता है इस एरिया में, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्शन भी कर देते हैं तो हिल्स में वेदर एकदम चेंज होता है और बिना किसी नोटिस के चेंज होता है। तो जो लोग उस एरिया में फ्लाई करते हैं उन लोगों को नॉलेज होती है कि किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं एक बैड वेदर की तरफ आपको इंडिकेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही कुछ प्राइमरी फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से जहाज इस सिचुएशन में पहुंचा। और दूसरी चीज, चूंकि वहां पर जो टेरेन है बहुत स्टीप टेरेन है, लेवल ग्राउंड्स बहुत कम है और आप ज्यादा हाइट पर फ्लाई नहीं करते हो तो आपके पास रिएक्शन टाइम किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए बहुत कम मिलता है। और दूसरे कारण जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो वो तो इंक्वायरी में पता पड़ेगा क्या एक्चुअल रीजन था, डिसओरिएंटेशन भी एक कारण हो सकता है कि पायलट को डिसओरिएंटेशन हो गया हो, ओके, वो भी एक कारण हो सकता है। तो जब तक कि कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई फैक्ट्स नहीं पता पड़ते हैं, स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि द बेसिक फैक्टर जो आने वाला वो तो डेफिनेटली आएगा कि वेदर बहुत खराब था, बहुत चैलेंजिंग वेदर था एंड आई थिंक उसने प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। जी विपुल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एक तरीके से ये
जिसने हरी झंडी दी होगी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए, गलती उसकी भी है। दूसरी तरफ आपसे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि उस हेलीकॉप्टर में जब इस तरीके की घटनाएं होने वाली होती हैं तो पायलट पर कितना दारोमदार होता है? क्या वो किसी तरीके से इस घटना को टाल सकता था, या फिर मौसम बहुत ज्यादा खराब था तो मौसम की खराबी की वजह से ये दुर्घटना हुई, ऐसा हम कहें? देखिए, जो प्रोसीजर है वो तो बहुत क्लियर है कि जब जहाज उड़ता है कहीं से भी तो उसके पहले वेदर पता कर किया जाता है कि रास्ते में वेदर कैसा है और जो डेस्टिनेशन में जा रहे हैं स्पेशली वहाँ का वेदर कैसा है। ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो कि फ्लाइट प्लान क्लियर करने के सबसे पहले की जाती है। और कोई भी पायलट है जो उड़ेगा वो भी बहुत कंसर्न रहता है, स्पेशली इस तरह की टेरेन में फ्लाई करने के लिए वो भी बहुत चौकस रहता है कि भाई वहाँ पे वेदर सही होना चाहिए। और होता क्या है कि जब आप हिल्स में फ्लाई करते हो, हाई अल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हो, तो उस समय मैंने जैसे बोला कि बिकॉज ऑफ विंड पैटर्न्स बहुत चेंज होते रहते हैं, सडनली वहाँ पे क्लाउडिंग आ जाती है, सडनली वहाँ पर जो है बारिश आ जाती है, तो वो एक ऐसी चीज होती है जो एक चैलेंज हमेशा पायलट के लिए बना रहता है। इवन इफ आप टेक ऑफ के पहले आपको क्लियर वेदर का इन्फॉर्मेशन मिली हो, पर इस तरह के चेंजेस ऑफ वेदर बहुत जल्दी हो जाते हैं, उस समय पायलट का सूझबूझ बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है। वो डिसाइड करता है कि वो वापस जहाँ से उड़ा था वापस वहां जाएगा या किसी और सेफर प्लेस पे जाके लैंड करेगा। तो ये थोड़ा सा एक जजमेंटल एरर भी हो सकती है और मैं समझता हूँ कि रिएक्शन टाइम भी जो होता है उस समय कम मिलता है, तो एक मिला जुला सिचुएशन है। असलियत में क्या हुआ वो तो इंक्वायरी में पता पड़ेगा, पर मैं समझता हूँ कि जो पिक्चर्स आ रही हैं और जो मैं भी उस एरिया में बहुत फ्लाई कर चुका हूँ, मुझे पता है उस एरिया में किस तरह का वेदर होता है, बहुत ही चैलेंजिंग वेदर होता है और पायलट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है इस एरिया में फ्लाई करने में। जी विपुल जी, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ये एक बड़ी खबर इस वक्त जो केदारनाथ धाम से आ रही है। एक चॉपर हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत, आपको बता दें, एक पायलट के अलावा 6 लोग उसमें सवार थे और सभी की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है DGCA द्वारा। और इसके साथ ही आपको बता दें, राहत और बचाव दल वहां पर पहुंच चुके हैं। मौसम खराब था, एक बड़ी लापरवाही भी इस दुर्घटना की मुख्य वजह मानी जा सकती है। हालांकि घटना की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई।